हेलो दोस्तों परदर्सी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है दोस्तों हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए फ्लाइट और ट्रेवल की कुछ जरूरी अपडेट लेकर आया हूं कुछ जरूरी खबरें लेकर आया हूं तो पहली जो अपडेट है वो लंदन को लेकर है अगर आप चेन्नई से लंदन के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं तो इसके लिए एयर इंडिया की तरफ से फ्लाइटें बता दी गई हैं दो फ्लाइटें बताई गई हैं जो ऑपरेट होंगी चेन्नई से लंदन के लिए वो एक सितंबर को और आठ सितंबर के लिए ये चेन्नई से लंदन जाने वालों के लिए इसके अलावा हैदराबाद से भी लंदन के लिए फ्लाइट ऑपरेट होगी ये हर फ्राइडे को और मंडे को ऑपरेट होगी ये 10 सितंबर से फ्लाइटें शुरू हो रही हैं चेन्नई से लंदन के लिए और हैदराबाद से, से लंदन के लिए जो चेन्नई से लंदन के लिए फ्लाइटें शुरू होंगी वो एक सितंबर को और आठ सितंबर को फ्लाइट ऑपरेट होगी इसके अलावा जो हैदराबाद से फ्लाइट ऑपरेट होगी लंदन के लिए वो हर फ्राइडे को और मंडे को ऑपरेट होगी इसकी शुरुआत हो रही है दस सितंबर से इसके अलावा जो लंदन से हैदराबाद के लिए फ्लाइट ऑपरेट होगी यानी वापसी के लिए जो फ्लाइट बताई गई है वो हर थर्सडे और संडे को बताई गई है ये फ्लाइट 9 सितंबर से चलेगी लंदन से हैदराबाद के लिए तो अगर आप आ, इंडिया से चेन्नई के शहर से या फिर हैदराबाद से लंदन ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर एयर इंडिया के कॉल सेंटर पर एयर इंडिया के टोल फ्री नंबर पर ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं वहां से आप टिकट परचेज कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप लंदन से हैदराबाद के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं तो भी आप टिकट परचेज कर सकते हैं तो ये उन लोगों के लिए अपडेट है जो लोग इंडिया से लंदन ट्रेवल करना चाहते हैं या इसके अलावा लंदन से इंडिया ट्रेवल करना चाहते हैं इसके अलावा एयर इंडिया इंदौर से दुबई के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट करने जा रही है एक सितंबर से ये फ्लाइटें हर वेडनेसडे को चलेंगी साथ में ये फ्लाइटें नॉन स्टॉप होंगी क्योंकि पांच अगस्त के बाद जब से पाबंदी हटी है यूएई की तरफ से तब से लगातार फ्लाइटों की डिमांड काफी बढ़ रही है साथ में ही अभी 30 अगस्त को यूएई की तरफ से टूरिस्ट वीजा वालों को भी अलाउ कर दिया गया है इसके बाद अब इंदौर से दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है 1 सितंबर से तो जो लोग इंदौर से ट्रेवल करना चाहते हैं दुबई के लिए तो वो अब ट्रेवल कर सकते हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट रहेगी एयर इंडिया की ये अगली अपडेट भी यूए को लेकर है तो यूए की तरफ से एक अच्छी अपडेट ये है की जिन लोगों का वीजा शारजा का है या इसके अलावा अबू धाबी का है फुजेरा का है या अजमान का है या और किसी स्टेट का है तो वो सारे लोग अब ट्रेवल कर सकते हैं दुबई में भी यानी पहले ऐसा नहीं था शारजा वाले शारजा ट्रेवल करते थे या अबू धाबी वाले अबू धाबी ट्रेवल करते थे अलग अलग स्टेट का अलग अलग नियम था लेकिन अब ऐसा नहीं है अगर आपके पास किसी भी स्टेट का वीजा है तो आप दुबई ट्रेवल कर सकते हो इसके अलावा अगर आपके पास न्यू एम्प्लॉयमेंट वीजा है या इसके अलावा आपके पास टूरिस्ट वीजा है विजिट वीजा है लॉन्ग स्टे वीजा है शार्ट स्टे वीजा है किसी भी तरह का आपके पास वीजा है तो आप दुबई के लिए आप ट्रेवल कर सकते हो आपके ऊपर कोई रोक नहीं है कि दुबई आप ट्रेवल नहीं कर सकते अब आप दुबई के लिए भी ट्रेवल कर सकते हो इसके लिए आपको अड़तालीस घंटे के अंदर पीसीआर टेस्ट कराना होगा साथ में ही छह घंटे पहले एयरपोर्ट पर आपका टेस्ट होगा उसके बाद में जहां भी आपका पीसीआर टेस्ट होगा पचास से ज्यादा आपका नहीं लगेगा तो यूएई को लेकर दोस्तों अपडेट है सभी तरह के विजिटर परमिट होल्डर वालों को दुबई में एंट्री दे दी गई है उनके लिए दरवाजे खोल गए हैं कि वो दुबई में ट्रेवल कर सकते हैं अगली अपडेट इंडिया फ्लाइट को लेकर है तो कोवैत कैबिनेट ने जो कुैत एयरपोर्ट है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का फैसला किया उसकी कैपेसिटी साढ़े सात हजार से दस हजार कर दिया गया है इसमें जो भारत को कोटा मिला यानी भारत के कितने लोग एक हफ्ते में ट्रेवल करेंगे उसका कोटा भी निर्धारित कर दिया गया है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया से कोत के लिए अभी एक हफ्ते में सात लोग ट्रेवल करेंगे ये परमिशन दी गई यानी सात सीटें रहेंगी पर वीक में ट्रेवल करने के लिए जो इंडियन ट्रेवल करेंगे कुवैत के लिए इसमें यह भी निर्धारित कर दिया गया है कि कौन सी एयरलाइंस को कितने सीटें मिलेंगी अभी जो कुवैत एयरवेज है उसको 230 सीटें मिलेंगी इंडिया से कुवैत के लिए इतने लोग जाएंगे कुवैत एयरवेज पर हफ्ते में और इसके अलावा जो जजीरा एयरवेज है उसको 150 सीटें मिली है कोटा के तहत साथ में जो बाकी सीटें बचती हैं 380 सीटें वो इंडियन एयरलाइंस को मिलेंगी यानी जो भारतीय कंपनियां रहेंगी वो बाकी सीटें उनके हिस्से में आई है तो ये निर्धारित कर दिया गया है पर वीक यानी हर हफ्ते में भारत से 760 लोगों का कोटा दिया गया इतनी सीटें दी गई हैं भारतीयों को यानी सीटें तो अभी कम दी गई हैं कोटा थोड़ा कम दिया गया है हफ्ते में 760 का ही कोटा दिया गया है और यह भी निर्धारित कर दिया गया है कि कोवेत एयरवेज को कितनी सीटें मिलेंगी जजीरा एयरवेज को कितनी मिलेंगी बाकी इंडियन एयरलाइंस को कितनी सीटें मिलेंगी तो ये कुएत को लेकर अपडेट है कि कैपेसिटी बढ़ा दी गई एयरपोर्ट की उम्मीद है फ्लाइटें जल्द शुरू हो जाएंगी कुवैत के लिए क्योंकि एक बार ही निर्धारित हो गया है तो फ्लाइटें भी जल्द ऑपरेट होने लगेंगी कुवैत के लिए अगली अपडेट दोस्तों कोवैक्सीन को, को लेकर है तो कोवैक्सीन को, को लेकर अपडेट ये है कि आने वाले दो हफ्तों में डब्लू की तरफ से कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल सकता है उसको भी हरी झंडी मिल सकती है क्योंकि कोवैक्सीन को अप्रूवल को ना मिलने की वजह से अभी जो लोग इंडिया में कोवैक्सीन लगवा चुके हैं जिन्होंने कोविशील्ड नहीं लगवाई है वो लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे उनके लिए काफी दिक्कतें हो रही है क्योंकि अभी श्रीलंका ने ही कोवैक्सीन वालों को अपने यहाँ ट्रेवल करने की इजाजत दी है एक बार जब डब्ल्यू अपने यहाँ कोवैक्सीन को भी अप्रूवल दे देगा उसको भी अप्रूव कर देगा तो दुनिया भर के देश भी अपने यहाँ उसको अप्रूवल देंगे ट्रेवल करने की इजाजत दे देंगे तो बहरहाल कोवैक्सीन को लेकर यही अपडेट है कि आने वाले दो हफ्तों में कुछ अच्छी खबरें आ सकती है को वैक्सीन को लेकर अगर इंडिया सऊदी अरब की डायरेक्ट फ्लाइट की बात करें दोस्तों तो इंडिया और सऊदी अरब के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी है लेकिन अभी वही लोग इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट डायरेक्टल कर पा रहे हैं जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब में लगवाकर इंडिया आए हुए हैं छुट्टी पर बाकी जिन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन इंडिया में करवाया हुआ है जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज इंडिया में लगवाई हुई है वो लोग अभी डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको परमिशन नहीं है वो लोग वाया श्रीलंका होकर वाया मालदीप होकर वाया सर्बिया करजबेकिस्तान होकर ही सऊदी अरब जा रहे हैं बहरहाल उनके लिए कोई अच्छी खबर होगी आने वाले दिनों में तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए खुश रहिए गुड बाय